देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने सेट को ओवर कर दिया था, तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो कौन सा एक लेसन है, सेकेंड लेसन। वैसे थोड़ा प्लानिंग चेंज था, मेरे को और चैप्टर लेने वाला था, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट उन्होंने बोला कि सर ये चैप्टर ले लो। बच्चों लेने में ये चैप्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जितना आपको आइडिया दे रहा हूँ वो कि थोड़ा पीछे का, इसमें जस्ट लाइक अ सेट इसमें से भी थोड़ा पीछे का पोर्शन जो रहता है वो थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा। जैसे क्लासरूम में रहते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है, बट क्या है कि कुछ बच्चे ने बोला है कि 27-28 से कुछ टेस्ट वगैरह है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ही खत्म करने की ट्राई करते हैं। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। शुरू के जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, जस्ट लाइक दो तीन क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन, वरना ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वी विल कम्प्लीट दिस चैप्टर वेरी सून। देखो बच्चों, शुरुआत हो रही है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1, और उसमें मतलब चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन रिलेशन और फंक्शन के लिए जाने से पहले मेरे को एक डेफिनेशन और 2.1 इसके ऊपर ऑलमोस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। राइट, देन कार्टे नॉन एम्प्टी का मीनिंग क्या होगा बच्चों? नॉन एम्प्टी का मीनिंग क्या होगा? सेट विच इज नॉट एम्प्टी, अ सेट विच इज नॉट एम्प्टी इज कॉल्ड अ नॉन एम्प्टी सेट। तो एक चीज दिमाग में ले लो, यहाँ पे सारी कंडीशन बहुत सारी बच्चों मिलेगी आपको, कंडीशन बहुत सारी मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब कि व्हाट डू मीन बाय द वर्ड अ नॉन एम्प्टी, और ये जो लेसन है ना बच्चों, उसको प्रैक्टिस से ज्यादा मतलब दिमाग में लेना है, मतलब सीखना है इसमें, वर्ड टू वर्ड आपको दिमाग लगाना है ऐसी चीज पकड़ने की। जैसे कि वर्ड नॉन एम्प्टी का मीनिंग क्या होगा, तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए सेट विच इज नॉट एम्प्टी। तो ऐसी चीजों को यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन करना है, और उसी से ही हम लोग को सारे एडवांटेज मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ए विद सेट बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, विच इज डिफाइंड एज a cross b equals to x comma y such that x belong to a, y belong to b। बच्चों what do you mean by this? तो इसका जो meaning निकलेगा, मेरे कहने का मतलब कि इसका जो meaning निकलेगा वो कुछ ऐसा होगा कि cartesian product से कोई भी element मिलेगा, that element it is in form of the order pair, that element it is in form of order pair। और order pair जो होगा, अगर a cross b है तो order pair का first element that comes from a, मतलब according to this, and second coming from b। अगर मैंने x को b cross a लिखा है, तब ये जहां से जो भी order pair मिलेगी उसका first element, मैं से first element coming from set b and second coming from set a, तो something like that way। तो एक example भी दे सकते हैं sir, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके इस चीज को क्लियर करवा रहा हूँ कि फॉर एन एग्जांपल, सपोज ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, बी इक्वल्स टू 4, 5, 6। इफ यू वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैंने अभी बोला इसको आप लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे, जस्ट लाइक ऑर्डर पैर। तो अब देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट वन किसके, देखो वन किसके साथ जाएगा, फोर के साथ। तो हाउ कैन यू राइट दिस, मेरी बात सुनो, वन कमिंग फ्रॉम ए एंड फोर कमिंग फ्रॉम बी, तो फर्स्ट ऑर्डर पैर आएगी वो 1, 4 होगी, देन सेकेंड 2, 5 एंड देन 1, 4। अच्छा मैं एक ऑर्डर लेके जा रहा हूँ बच्चों, तो वन से ही चलो, तो 1, 5 एंड 1, 6, तो 1, 4, 1, 5, 1, 6। अब टू के रेफरेंस से चलो, तो 2, 4, 2, 5, 2, 6, लाइक दैट वे 3, 4, 3, 5 एंड दिस इज 3, 6। तो दिस आर द 9 एलिमेंट, दे आर ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट है? तो 9 एलिमेंट है। मेरे कहने का मतलब बच्चों, फिर से एक बार, हाउ कैन यू फाइंड आउट ए क्रॉस बी? तो ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 मैंने लिया, बी इक्वल्स टू 4, 5, 6। मैंने बोला ना कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट दे आर इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है? तो
फर्स्ट अगर ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेट ऑर्डर पेयर का और सेकेंड एलिमेंट ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द सेकेंड सेट. तो जो कोई भी ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से आएगा, सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेकेंड सेट से, समथिंग लाइक दैट वे. समझ लो 1 4 तो 1 कमिंग फ्रॉम ए, 4 कमिंग फ्रॉम बी. यहाँ पे 2 5 तो 2 कमिंग फ्रॉम ए, 5 कमिंग फ्रॉम बी. तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 9 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. तो बच्चों एक बार फिर से, ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, व्हिच इज डिफाइंड एज x का a क्रॉस b इक्वल्स टू x कॉमा y. x फर्स्ट अगर a क्रॉस b है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड कमिंग फ्रॉम द सेकंड सेट. और ये एग्जांपल है, चलो देख लो. तो उसके बाद इमीडिएटली हम लोग एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे. चलो एक्सरसाइज के ऊपर मूव करेंगे. बच्चों इसके नोट्स बनाते रहना, जस्ट लाइक आप लोग क्लासरूम में कैसे कॉपी करते हो तो वो रजिस्टर में कॉपी कर लेना है आपको. तो बार बार हो सकता है कि कभी वीडियो में और भी मतलब प्राइवेट कर दूं तो आप लोग को वो तकलीफ हो सकती है, इसके लिए आप लोग ये सारे नोट्स बनाते रहना बच्चों. अब मेरी बात सुनो, एक्सरसाइज 2.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. इफ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हाथ में रखना, एक्स बाई 3+1 कॉमा y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 5/3 कॉमा 1/3 देन वन हैज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y? तो मेरे कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट कंपेयर विद x, क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है. तो लेफ्ट हैंड साइड के ऑर्डर पेयर का x कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड के ऑर्डर पेयर के x कोऑर्डिनेट से कंपेयर होगा. तो बच्चों x by 3 plus 1 is comparing with 5/3, something like that way. जो left hand side के order पेर है उसका y coordinate right hand side के order पेर के y coordinate से compare होगा. तो मैं ऐसा बोलूँगा कि y minus 2/3 comparing with 1/3. अब बच्चों x upon 3, 5/3 minus 1, 3 LCM ले लो. तो x by 3, 5 minus 3 upon 3, 3 cancel, 5 minus 3 is 2. तो x जो आपका मिलेगा वो 2 होगा. यहाँ पे 2/3 को साइड चेंज करो तो 3 LCM, तो 1 plus 2 upon 3, that will give me 1, 3 upon 3, 1, तो y equals to 1. तो this will complete x equals to 2 and y equals to 1. बच्चों थोड़ा टाइम सर बाद में देंगे, एक दो और क्वेश्चंस है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए. अब बच्चों यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, इफ सेट ए हैज, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये एक फॉर्मूला है, मैं शायद शुरू में लिखना था पर रह गया, पर चलेगा, कोई ऐसा भी कोई डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा आपको. फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी. अब इसका मीनिंग क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी equals to the number of element present in set A multiplied by the number of element present in set B. चलो बच्चों अगर मैं ऐसा बोलूं कि A equals to 1, 2, 3 है, B equals to 4, 5, 6 है, तो बच्चों अगर दिमाग में होगा तो मैंने A cross B निकाला था, क्या था, 1, 4, 1, 5, 1, 6, like that way, 2, 4, 2, 5, 2, 6, and 3, 4, 3, 5, and 3, 6. तो ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, 9. अब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इज 3, प्रेजेंट इन बी इज आल्सो 3. तो वन कैन इजीली से दैट वेरीफाइड दिस फार्मूला, एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए इनटू एन
n ऑफ b. तो बच्चों ये जो चीज है वो मैंने ये फॉर्मूला को हाइलाइट्स करवाया है. आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a क्रॉस b इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन b. ये फॉर्मूला इसके लिए दे रहा हूं कि जो सेकंड क्वेश्चंस जो है आपका उसके आसपास है. इफ सेट a हैज 3 एलिमेंट, देखो मैं ऐसा लिखूंगा सेट a हैज अ 3 एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट a इज 3. एंड b इक्वल्स टू उसने लिखा है 3 4 5. मैं आगे पढ़ उससे पहले लिख देता हूँ n ऑफ b भी क्या होगा 3. हाउ मेनी एलिमेंट सेट b हैज 3, n ऑफ b क्या हो जाएगा 3. देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b उसका फॉर्मूला है n ऑफ a इनटू n ऑफ b. अब n ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू a 3 b 3, तो n ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9. तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a क्रॉस b इज 9. अब बच्चों अब हम लोग जाएंगे थर्ड वाले क्वेश्चंस के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि g सेट, इफ g सेट 7,8 सेट h इक्वल्स टू क्या लिखा गया है 5,4,2 देन वन हैज टू फाइंड g क्रॉस h एंड सेकेंडली h क्रॉस g. देखो बच्चों मैं g क्रॉस h के लिए जा रहा हूं, तो g क्रॉस h तो 7,8 क्रॉस 5,4,2. अब ऑर्डर पेयर कैसे होगी, जैसे कि 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,4, 8,2. तो ये जो आपका सेट आ रहा है वो कौन सा सेट आ रहा है बच्चों, तो G क्रॉस H. तो ये एक आंसर मैंने क्लियर करवा दिया. अब सेकेंडली मेरे को कहाँ पे जाना है, G क्रॉस H के बाद सेकेंडली बच्चों मेरे को जाना कहाँ पे है, तो एच क्रॉस जी. तो एच क्रॉस जी के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो पहले एच लिखो 5,4,2 एंड देन राइट जी 7,8. अब बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, मैं यहाँ पे लिखने की ट्राई करता हूँ, तो एच क्रॉस जी इक्वल्स टू 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, 2,7 and this is 2,8. तो दिस विल कंप्लीट योर एच क्रॉस जी. तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में जी क्रॉस एच वो भी मैंने निकाल के दिखाया, सेकंड में क्या था एच क्रॉस जी था वो भी मैंने निकाल के दिखा दिया. ठीक है, अब बच्चों थर्ड के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल, मैं थोड़ा टाइम देने वाला हूँ बीच में, आप लोग उसके बाद उसको टैली कर लेना. मतलब तो मेरे कहने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट एंड गिवन द स्टेटमेंट करेक्टली. देखो फर्स्ट वन है p इक्वल्स टू m कॉमा n एंड q इक्वल्स टू n कॉमा m. ठीक है, अब उसने लिखा है कि p क्रॉस q इक्वल्स टू, उसने लिख दिया है m n कॉमा n. अब ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चों वो सरासर फॉल्स है, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन p इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन q इज 2, तो n ऑफ p क्रॉस q, देखो अगर मैं ऐसा लिखूं कि n ऑफ, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n ऑफ p क्या है 2, n ऑफ q क्या है 2, तो n ऑफ p क्रॉस q क्या होना चाहिए 2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 4, और यहाँ पे तो दो ही एलिमेंट आ रहे हैं तो स्टेटमेंट तो फॉल्स है, लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए सर क्या ट्राई करेंगे p क्रॉस q, तो m कॉमा n क्रॉस n कॉमा m, तो दिस विल बी सेम एज, देखो m n m m n n and n n. तो यहाँ पे जो लिखा गया था ना करेक्ट तो कर दिया मैंने, मैं लिखूंगा दिस वन इज करेक्ट. तो यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया है वहां, यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट लिखे थे m n एंड n m, लेकिन यहाँ पे दो और एलिमेंट आएंगे वो मिस कर गए थे हम लोग, या तो बुक मिस कर गई थी, इसके लिए ये मतलब फॉल्स हो गया.
अब बच्चों हम लोग जाएंगे फोर्थ का सेकंड के लिए। फोर्थ का सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? फोर्थ का सेकंड तो क्वेश्चन इज लाइक दिस। फोर्थ का सेकंड, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई ये किसकी ऑर्डर पेयर है? ए क्रॉस बी की। तो उसने लिखा है कि सच दैट एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी। अब ये तो सही है क्योंकि मैंने शुरू में डेफिनेशन में बोला था, तो दिस वन इज ट्रू। एक आर्ग्यूमेंट बोलना है तो बाय डेफिनेशन, आर्ग्यूमेंट को कैसे बोलेंगे? बाय डेफिनेशन, नथिंग टू डू इन दिस वन। अब बच्चों हम लोग जाएंगे क्वेश्चन इसका फोर्थ का, कौन सा क्वेश्चन अब आएगा आगे? तो थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल्स टू 1.2, बी इक्वल्स टू 3.4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। अब बच्चों मैं इसका आइडिया दे रहा हूं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि ये ट्रू है, अगर ऐसा भी नहीं तो चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन 5, तो 3.4 इंटरसेक्शन 5, तो बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा? 5। अब उसका इंटरसेक्शन किससे लेना है? ए से। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, अब आपका ए क्या है? 1.2 क्रॉस 5, तो 5 मतलब एम्प्टी से, तो नथिंग टू डू इन दिस वन। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू। फर्स्ट फॉल्स था, मैंने आर्ग्यूमेंट दिया, सेकंड ट्रू था आर्ग्यूमेंट दिया, थर्ड भी ट्रू था, मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया है आप लोगों को। थोड़ा टाइम सर बीच में देने वाले हैं, उस टाइम पे इसको आप लोग ढंग से आराम से देख लेना, बट मैं जा रहा हूँ फिफ्थ वाले क्वेश्चन के लिए बच्चे। तो इफ ए इक्वल्स टू -1.1, देन फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे? तो ए क्रॉस ए ट्रिपलेट है, मतलब इसमें मतलब जो भी एलिमेंट आएंगे लास्ट में वो कौन से फॉर्म में होंगे? ट्रिपलेट। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं बच्चों? तो मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो -1.1 क्रॉस -1.1 क्रॉस -1.1, पहले इन दोनों का निकालो बच्चों। तो वो कैसे होगा? -1.-1, फिर -1.1, देखो -1 बिट -1 -1 बिट 1, फिर 1.-1 एंड देन 1.1, वापिस इसका क्रॉस आएगा -1.1 से। तो मैं एक ऑर्डर लेके जाऊंगा -1 -1 -1, फिर -1 -1 एंड 1, -1 -1 बिट -1 -1 -1 बिट 1, फिर मैं ये सेकेंड ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करूं -1 -1 -1 -1 -1, देखो इसको पहले -1 से और फिर 1 से, सेम थिंग फॉर दिस वन, 1 -1 -1 1 -1 1, ये फिर 1 1 -1 1 1 1, तो दिस विल कंप्लीट योर ए क्रॉस ए क्रॉस ए। कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ बच्चों। अब हम लोग आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 थे उसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो 6th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए क्रॉस बी a, x, a, y, b, x, b, y, क्वेश्चन क्या है? फाइंड सेट ए एंड बी। अभी तक क्रॉस वाली बात थी, अब उल्टा आना है बच्चों, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कैसे काम करेंगे? देखो बाय डेफिनेशन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए कॉमा एक्स बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मींस ए बिलोंग टू ए एक्स बिलोंग टू बी, एंड ए कॉमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी, तो ए बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी, बी कॉमा एक्स बिलोंग टू ए क्रॉस बी, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट, सेकेंड बिलोंग टू सेकेंड सेट, तो बी बिलोंग टू ए एक्स बिलोंग टू बी,
बी कॉमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी, बी बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू ए। अब बच्चों इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, ये और एक ये। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे सेट ए, देखो ए मैं सेट ए लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, तो सेट ए, ए बिलोंग टू ए, तो ए। अब ए बिलोंग टू ए दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो बी के लिए चले जाओ तो बी बिलोंग टू बी, दो बार वापस बी लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। समथिंग लाइक दैट वे बी के लिए चलो, तो एक्स बिलोंग टू बी, वाई बिलोंग टू बी, तो नो नीड टू रिपीट अगेन एक्स एंड वाई। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपका जो सेट ए और बी जो निकल के आएगा वो समथिंग लाइक दिस वे, ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी एंड बी इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। अब बच्चों इससे अगर आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन थोड़ा छोटा है तो मैं सेवेंथ वाला क्वेश्चन कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा, तो सेवेंथ वाला नहीं हो पाएगा, थोड़ा बड़ा है बच्चों। तो ऐसा कर सकते हैं कि एट वाला मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन और सेवेंथ वाला इमीडिएटली आफ्टर दिस। लेट ए इक्वल्स टू वन टू, बी इक्वल्स टू थ्री फोर, राइट, राइट ए क्रॉस बी, राइट ए क्रॉस बी, और उसने लिखा है कि हाउ मैनी सबसेट है वो ए क्रॉस बी है, हाउ मैनी सबसेट है वो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट हो सकते हैं। तो मैं पहले ए क्रॉस बी तो निकाल के दिखाता हूँ बच्चों, वन टू क्रॉस थ्री फोर, अब नथिंग डिफरेंट, देखो वन थ्री, वन फोर, टू थ्री, टू फोर, ठीक है। अब ए क्रॉस बी, अब नंबर ऑफ सबसेट उसका फॉर्मूला है टू रेस टू एन, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, हाउ मेनी एलिमेंट, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा टू रेस टू फोर एंड दैट इज सेम एज 16, हाउ मेनी सबसेट आर देयर, 16 सबसेट्स आर देयर। तो ये वन टू सिक्स और एट देख लो, और ये इसके बाद में इमीजिएटली सेवन आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, प्लीज।
देखो बच्चों, एक छोटा सा प्लान में चेंज है। अभी जो आप लोग को जो दिखा रहे थे, मैं पहले क्या करता हूँ, 9 और 10 ले लेता हूँ और इमीडिएटली आफ्टर डैट मैं 7 आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि जिस तरह से मेरे पास स्पेस अवेलेबल है बोर्ड के ऊपर, तो वो देखते हुए मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक, तो पहले मैं ये काम कर देता हूँ कि पहले मैं 9th और 10th खत्म कर देता हूँ। दे आर वेरी स्मॉल क्वेश्चन। देखो बच्चों, 9th वाला क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट n of a equals to 3, n of b equals to 2. उसने लिखा है कि x comma 1, y comma 2, z comma 1 r in a cross b। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर एक लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा this one is a cross b, then 1 is 2, 5, find a and b where x, y, z are this thing। मैंने क्यों उसको सेलेक्ट करा है कि ऑलमोस्ट 8 के पैरेलल ये 9th वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी बच्चों कुछ बात ऐसी होगी कि x कॉमा 1 बिलोंग टू a क्रॉस b, दैट मींस x बिलोंग टू a, 1 बिलोंग टू b, y कॉमा 2 बिलोंग टू a क्रॉस b, तो y बिलोंग टू a, 2 बिलोंग टू b, z कॉमा 1 बिलोंग टू a क्रॉस b, तो z बिलोंग टू a एंड 1 बिलोंग टू b। अब बच्चों मैं अंडरलाइन करूंगा तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि दीज आर द एलिमेंट, दे आर बिलोंग टू सेट ए एंड दीज आर द एलिमेंट, दे आर बिलोंग टू सेट b। तो अगर मैं सेट a लिखने की कोशिश करता हूं यहां पे, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, x y z, और वैसे भी मेंशन किया गया था कि a के पास कितने एलिमेंट है, 3, तो वो आ जाता है। अगर सेट d लिखने की मैं कोशिश करता हूं तो 1 2 और वापस 1 नहीं लिख सकते, बिकॉज सेट में कोई एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये भी मेंशन था कि सेट बी के पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो 2, तो दे आर आल्सो हियर 1 एंड 2। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग इमीडिएटली बीच में जो 7th क्वेश्चन को स्किप किया था वहाँ पे चले जाएंगे। तो 10th वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसके आसपास से, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना, द कार्टेशियन प्रोडक्ट एन क्रॉस ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एन क्रॉस एन इक्वल्स टू 9। उसने लिखा है कि अमोंग विच -1, यहाँ पे थोड़ा ऐसा लिखा है बिलोंग टू ए क्रॉस ए, और दूसरा लिखा गया है कि 0,1 belong to A cross A। अब आपको करना क्या है, find the set A and remaining element of A cross A। देखो set A को हम लोग कैसे find out करेंगे, तो first and foremost thing मैं यहाँ पे चलूँगा। देखो ऐसे cases में सबसे पहले ये decide करो कि set A के पास कितने element होने चाहिए। तो n of A cross A, इसका formula दिया था n of a cross b equals to, हम लोग क्या लिखते हैं, n of a into n of b, तो n of a cross a equals to n of a into n of a। अब n of a cross a के पास 9 element, n of a into n of a, तो n of a to the whole square, square root ले लो, तो n of a equals to 3। अब यहाँ पे plus or minus नहीं हो सकता, minus क्यों नहीं हो सकता, कि number of element present in set cannot be negative। तो यहाँ से एक कंफर्मेशन आ जाता है, यहाँ पे जैसे कैसे लिखा था कि सेट ए के पास कितने एलिमेंट है, तो कि 3, तो यहाँ पे मेरे को जज करना पड़ा कि यहाँ पे सेट ए के पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो हाउ मेनी एलिमेंट फॉर सेट ए, तो 3। अब विच आर दे, अब मेरी बात सुनो, तो देखो -1,0 बिलोंग टू ए क्रॉस ए, तो मैं लिख सकता हूँ -1 बिलोंग टू ए, 0 बिलोंग टू ए, दूसरा जो है वो 0,1 बिलोंग टू ए क्रॉस ए, तो 0 belong to A, 1 belong to A। अब बच्चों अगर मैं सेट A लिखने की कोशिश करूंगा यहां से, तो देखो -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 को रिपीट करने की जरूरत नहीं, तो क्या होगा, 1। तो सेट A, तो मैंने एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको दे दिया कि सेट A के पास कौन से एलिमेंट है, -1, 0, 1। फिर से एक बार, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A कितने था, 9, तो उससे मैंने पहले क्या किया कि सेट ए के पास कितने एलिमेंट होंगे, 3, उसमें से 2 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए की मेरे को दी गई थी, राइट। अब
वो दो ऑर्डर पेयर से मैंने ऐसा डिसाइड किया कि माइनस वन बिलोंग टू ए, ये फर्स्ट एलिमेंट फॉर डे, सेकेंड जीरो बिलोंग टू ए, सेकेंडली जीरो बिलोंग टू ए, वन बिलोंग टू ए, तीन एलिमेंट होंगे। अब उसने बोला कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट, मीन्स माइनस वन कॉमा जीरो और जीरो कॉमा वन को छोड़ के बाकी एलिमेंट कौन से होंगे। बाकी की बात तो बाद में बच्चों, पहले ए क्रॉस ए तो निकाल लो, माइनस वन जीरो वन, क्रॉस माइनस वन जीरो वन। तो अब ए क्रॉस ए मेरे पास क्या आएगा, तो माइनस वन कॉमा माइनस वन, माइनस वन कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा वन। अब जीरो से चलो, जीरो कॉमा माइनस वन, जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, माइनस वन माइनस वन, माइनस वन जीरो, माइनस वन वन, जीरो माइनस वन, जीरो जीरो, जीरो वन, एंड देन आफ्टर वन माइनस वन, वन जीरो, वन वन। अब उसने बोला रिमेनिंग, अब देखो मेरे पास कौन से दो एलिमेंट है, रिमेनिंग मतलब मेरे पास एलिमेंट कौन से दो, उसने दे दिए थे, कौन से दो एलिमेंट दिए थे, माइनस वन कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा वन। तो माइनस वन कॉमा जीरो एक ये है और दूसरा जो है जीरो कॉमा वन, तो इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, तो अब मैं रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए करके मैं लिखने की ट्राई करूंगा, तो वो क्या होंगे, माइनस वन कॉमा माइनस वन, माइनस वन कॉमा वन, जीरो कॉमा माइनस वन, जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा जीरो, वन कॉमा वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो दिस आर कॉल योर रिमेनिंग एलिमेंट। थोड़ा सा टाइम देंगे, बट मैं अभी जो सेवन क्वेश्चन बीच में छोड़ा था उसको मैं पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। व्हाट अबाउट द सेवन क्वेश्चन ऑफ 2.1? 2.1 का सेवन क्वेश्चन इजी है, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है बच्चों। लेट ए इक्वल्स टू वन टू, बी इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर, सी इक्वल्स टू फाइव सिक्स, एंड डी इक्वल्स टू फाइव सिक्स सेवन एट। देन वन हैज टू वेरीफाई, दो चीज वेरीफाई करनी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और सेकेंड क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा कि ए क्रॉस, मैं ये डिराइव करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिसाइड बी इंटरसेक्शन सी। तो बी क्या है, वन टू थ्री फोर, इंटरसेक्शन सी क्या होगा, फाइव सिक्स। अगर क्लियरली देखेंगे तो नथिंग कॉमन बिटवीन डैम, नथिंग कॉमन बिटवीन डैम, तो मैं यहाँ पे तो क्लियर लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए वन टू क्रॉस फाइव, अगर और डिटेल में चलेंगे तो वन को टू क्रॉस नल सेट, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू नल सेट। उसको रिजल्ट क्या बना दो बच्चों, वन, इसको रिजल्ट क्या बना दो, वन। अब आर एस ए, आर एच एस के लिए हम लोग चलेंगे, तो आर एच एस के लिए मैं निकालने जा रहा हूँ ए क्रॉस बी, ए वन टू, बी क्या है, वन टू थ्री फोर, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, मैंने कहने का मतलब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, मैंने कहने का मतलब कि कौन से एलिमेंट आएंगे, तो वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, ये एलिमेंट किसके हो गए, ए क्रॉस बी के। अब बच्चों हम लोग जाएंगे ए क्रॉस सी के लिए, तो पहले ए लिखो और सी लिखो, फाइव सिक्स, तो ए क्रॉस सी के लिए वन फाइव वन सिक्स, टू फाइव टू सिक्स। अगर बच्चों दोनों ऑर्डर पर कंपेयर करो तो मैं ऐसा बोलूंगा, मैं यहाँ पे लिखने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों, तो पहले मैं लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, फिर आएगा मैं यहाँ पे लिखूंगा टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, ठीक है, इंटरसेक्शन वन फाइव वन सिक्स, टू फाइव टू सिक्स। बच्चों क्लियर देख लो, नथिंग कॉमन बिटवीन देम, एक बी ऑर्डर पर
दोनों में कॉमन नहीं दिख रही है, तो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल्स टू भी क्या होगा 5। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2 वेरीफाई क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी ए क्रॉस बी। ये फर्स्ट रीजन वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड रीजन में क्या करना है, तो ये बोल रहा है सेकेंड रीजन कि ए क्रॉस सी, मेरी नॉलेज से एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी फाइंड आउट करो। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा कि शायद ए क्रॉस सी मैंने निकाला है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ 1 5 1 6 2 5 2 6। अब बी क्रॉस डी, तो बी मेरे पास क्या है 1 2 3 4, डी क्या है 5 6, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। अब ये चेक करना है कि एवरी मेंबर ऑफ ए क्रॉस सी बिलोंग टू बी क्रॉस डी। देखो मैं ऐसे जाऊंगा 1 5 तो ये बिलोंग कर रहा है, 1 6 तो ये बिलोंग कर रहा है, 2 5 बिलोंग कर रहा है, 2 6 बिलोंग कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ ए क्रॉस सी इज बिलोंग टू बी क्रॉस डी, therefore a cross c is a subset of b cross d, verify। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाती है। तो ये पूरा वीडियो जो मैंने डाला है वो 2.1 का है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 के लिए आगे बढ़ेंगे। देख लो, इसके नोट्स बना लेना। Mm-hmm.